Hello everyone, welcome to Commerce Net Scholars. I hope you all are perfectly fit and fine. आज की वीडियो के लिए जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है फॉर डिस्कशन दैट इज़ आर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अंडर दैट आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया. जो भी फाइनेंशियल बिजनेस है हमारा, जो भी बैंक है हमारे, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रन कर रही है हमारी इकोनॉमी में, उनको रेगुलेट करने वाले कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे. सो लेट स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो लेट मी रिमाइंड यू, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड बी रेगुलर विद द चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट एंड एट द सेम टाइम शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. सो लेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. देखो ये जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पांच इंस्टीट्यूशंस जो हैं यही रेगुलेट करती हैं फाइनेंशियल बिजनेस को इंडिया में. आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, एफएमसी और आईआरडीए. ठीक है, आरबीआई हम पहले भी कर चुके हैं, बेसिकली उसके सब्सिडरीज एंड ऑल कब एस्टैब्लिश हुआ, तो आरबीआई मैं इस वीडियो में स्किप कर रही हूँ. आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हो आरबीआई के बारे में जानने के लिए. RBI बेसिकली जितने भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी हमारे बैंक्स हैं, वेदर दे आर दी कमर्शियल बैंक्स और दी RRBs और दी कोऑपरेटिव बैंक, उन सबको रेगुलेट करता है RBI. जहाँ तक सेबी की बात है तो जितने भी सिक्योरिटीज़ में डीलिंग्स होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम सेबी का होता है. PFRDA बेसिकली रेगुलेट करता है पेंशन फंड्स को. FMC की जब हम बात करते हैं तो जितना भी हमारा कमोडिटीज़ का मार्केट होता है उसमें जो भी डीलिंग्स होती हैं उसको रेगुलेट करता है FMC. और लास्ट है हमारा IRDA जो कि हमारी कंट्री में इंश्योरेंस के बिजनेस को रेगुलेट करता है. तो एक एक करके इन सारे इंस्टीट्यूशंस को डिटेल में समझते हैं. RBI स्किप कर रही हूँ मैं इस वीडियो में, यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑन RBI. सो लेट स्टार्ट विद सेबी. सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988. इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए और इसका एस्टैब्लिशमेंट का ईयर. फुल फॉर्म क्या है इसका? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. और कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1988 में. सेबी एक्ट केम इन टू पावर ऑन 12 अप्रैल 1992. सेबी जो एक्ट था, बेसिकली जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टैब्लिश तो हो गई थी 1988 में, बट इसकी जो एक्चुअल वर्किंग थी वो कब स्टार्ट हुई है? फ्रॉम अप्रैल 12, 1992. द बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ अ चेयरमैन, होल टाइम मेंबर, जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI, सेक्रेटरी ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड ऑल्सो पार्ट टाइम मेंबर्स. तो बेसिकली ये जो डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, डिफरेंट कमिटी मेंबर्स है जिनको कॉन्स्टिट्यूट करके बोर्ड बनता है सेबी का. और तीन टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं इसके अंदर. जो सबसे पहला है वो है इन्वेस्टर्स, दूसरा है सिक्योरिटी इशूअर्स और तीसरा है इंटरमीडियरीज. तो जब हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज की बात करें तो बेसिकली हम सिक्योरिटीज़ में जो भी डीलिंग कर रहे हैं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटीज़, बॉन्ड्स, शेयर्स, वॉट सो एवर इट इज, जो भी सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में डीलिंग हो रही है, तो बेसिकली ये तो क्लियर हो जाता है कि तीन डिफरेंट ग्रुप्स बन जाएंगे इसके अंदर. इन्वेस्टर्स हो गए जो कि पैसा लगाएगा, सिक्योरिटी इशूअर्स यानी कि वो लोग जो कि सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंटरमीडियरीज जो कि एक लिंक है इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटी इश्यूअर्स के बीच में. आगे बढ़ते हैं, PFRDA की बात करते हैं. PFRDA स्टैंड्स फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 2003 में. फुल फॉर्म और एस्टैब्लिशमेंट ईयर तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है आपको फॉर द एग्जाम्स दैट यू विल बी हैविंग. सो एस्टैब्लिश कब हुआ था? 2003 में. और फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. थर्ड पॉइंट सेज इट इज ऑथराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. कौन ऑथराइज करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इट इज वेस्टेड विद द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पेंशन फंड. जो भी पेंशन मिलती है एम्प्लॉयज़ को, उसको मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो PFRDA के पास होती है कि पेंशन फंड में आइदर द एम्प्लॉयर इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट एंटायरली. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, या तो पूरी तरह से एम्प्लॉयर इन्वेस्ट कर रहा है, या तो एम्प्लॉय इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर दोनों एक पर्टिकुलर रेशियो में, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिस पे दोनों थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा रहे हैं पेंशन फंड्स में. तो ये था हमारा PFRDA. उसके बाद बात करते हैं FMC के बारे में. इट स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन. इट इज़ द चीफ रेगुलेटर ऑफ कमोडिटी इन इंडियन फ्यूचर्स मार्केट. इसका हेडक्वार्टर याद कर लीजिए कहाँ है? मुंबई में. इट वर्क्स इन कोलैबोरेशन ऑफ
कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो PFRDA भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, FMC भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इट्स मेन एम इज टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1952. जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जो भी डीलिंग्स हो रही है फॉरवर्ड बेसिस पे, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आई गेस. तो जो भी फॉरवर्ड सिक्योरिटीज के बारे में जो भी डीलिंग हो रही है वो सब आएगा, वो सब रेगुलेट करने का काम होगा FMCs का ही. लास्ट है हमारा IRDA. IRDA स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. ये IRDA का फुल फॉर्म है. इट गवर्न्स ऑल काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया. वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री में जो भी इंश्योरेंस बिजनेस है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड हो या जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड हो, उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो है IRDA का है. और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1999 में. हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में. और ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज के वीडियो के लिए. आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे. साथ ही साथ देर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, एग्जाम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ऑल दिस एंड दैट. एज फार एज UG PG लेवल एग्जामिनेशन आर कंसर्न, वी आर स्टिल स्पेकुलेटिंग दैट दे विल स्टैंड कैंसिल. बट एज फार एज नेट एग्जामिनेशन इज कंसर्न, वो कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट योर कंसर्न. आपका कंसर्न है प्रिपरेशन करना, और वो आपको करनी चाहिए. क्योंकि एग्जाम हो या ना हो, आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी चाहिए, ताकि जब एग्जाम हो रहा है तो आप एग्जामिनेशन के लिए रेडी हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टिल देन टेक केयर, थैंक यू. और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू.